अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कैसे छोटी सी वारदात भी बड़े तनाज़े की वजह बन जाती है, इसकी मिसाल बेलगाम में देखने को मिली। वैसे जहां भी इल्म या तालीम हासिल करते हैं या सिर्फ तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश तुलबाओं की जानिब से होनी चाहिए, पर बेलगाम गोगटे कॉलेज में जब कन्नड़ परचम लहराने वाले को चार नौजवानों ने पीटा तो मामला कन्नड़ मराठी बन गया। वैसे बेलगाम सरहदी शहर होने की वजह से यहाँ भाषा यानी जुबान की बुनियाद पर अक्सर माहौल में तनाव देखा जाता रहा है। बेलगाम शहर में महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी मामला वैसे काफी पुराना तो है, लेकिन सियासी मफाद हासिल करने के लिए यहाँ अपने हिसाब से माहौल को कभी गर्म तो कभी सर्द करने की कोशिश की जाती रही है। अब जब कॉलेज में हुए इस छोटी सी वारदात ने शिद्दत इख्तियार की तो दो रियासतें इससे मुतासिर हुई। आज भी कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बसों की किसी तरह की नकल हरकत नहीं हुई, लिहाजा आवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जहां एक तरफ कन्नड़ तंजीमों ने बेलगाम शहर में आकर एहतजाज करने की कोशिश की, जिन्हें हीरेबागेड़े और टोल नाके पर रोका गया, तो वहीं मराठी तंजीमों ने और खासकर एमएस ने अपना एहतजाज दर्ज करने की कोशिश की तो इन्हें हिरासत में भी लिया गया। वहां कन्नड़ तंजीम के अफरादों को भी हिरासत में लिया गया। बढ़ता तनाव के आने वाले चुनाव के मद्देनजर है ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। एक तरफ कर्नाटक की गाड़ियों को महाराष्ट्र में निशाना बनाया जा रहा है तो कर्नाटक में महाराष्ट्र के बसेस पर हमले भी किए जा रहे हैं और कालिक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कल तकरीबन 10 गाड़ियों पर हीरेबागेड़ी के नजदीक टोल नाके पर हमला किया गया और पथराव भी किया गया तो कोगनोली नाका सांगली और कोल्हापुर में कर्नाटक की गाड़ियों को कालिक पहुंचते हुए जय महाराष्ट्र लिखा गया। बेलगाम शहर पिछले कुछ दिनों से तनाव में है, इसका असर बाजारों पर देखा जा रहा है। कन्नड़ तंजीमों की जानिब से मुस्तकिल मराठी तंजीमों पर पाबंदी की मांग की जा रही है। आज भी सीबीटी के पास कन्नड़ वेदिके के कारकुनों ने एहतजाज किया। सवाल ये खड़ा होता है कि बिला वजह इस तरह के तनाव से हासिल क्या और आम आवाम को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महज एक छोटी सी वारदात का असर दो रियासतों में तनाजे की वजह बन जाता है और आज भी बसेस को कालिक पहुंचने और हमला करने की वारदातें पेश आई है। हल्याल डेपो की बस को महाराष्ट्र बारामती बस स्टैंड पर मनसे के कारकुनान ने कालिक पहुंच कर जय महाराष्ट्र के नारे लगाए। जो भी सियासत है या फिर कन्नड़ मराठी भाषा का तनाजा है अपनी जगह पर सही या गलत या फिर जायज हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पहलू की तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि बेलगाम सरहद पर होने से हजारों लोगों का कर्नाटक महाराष्ट्र में आना जाना है और उनकी रोजी रोटी भी यहां से चलती है। कुछ रोजाना तिजारत करते हैं तो कुछ लोगों की नौकरियां भी दोनों रियासतों के सरहदों के गांव में करते रहते हैं। खासकर बेलगाम से कोल्हापुर या सांगली मिरज को रोजाना आना जाना होता रहता तो कई सारे कोल्हापुर के भी लोग बेलगाम में आना जाना करते हैं। कई मरीजों को मिरज सांगली में या फिर बेलगाम के केएलए और दिगर अस्पतालों में इलाज के लिए लाया जाता है। इस तनाजे का असर शादी ब्याह जैसे तकरीबात पर भी हो रहा है। हमने इससे खतरनाक दौर का तजर्बा कोरोना में महसूस किया है। गुजारिश यह है कि सियासी मफाद या किसी और वजह से एक बड़े तबके को मुश्किल में ना डाला जाए। पहले ही कोरोना के मुश्किल दौर से उभर कर अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। सरहदी मामला है तो इसके लिए अदालत या इंतजामिया है और उन फैसलों का इंतजार भी किया जाए। इसके लिए सड़कों पर उतरकर गाड़ियों की तोड़फोड़ ना करें। अब पिछले दो दिनों से बसेस की नकल हरकत बंद है। कर्नाटक या महाराष्ट्र गाड़ी कहीं की भी हो पर सवार तो इंसान ही होते हैं। इसे कन्नड़ मराठी कहकर हमला करना दुरुस्त ना होगा। लिहाजा अमन को बरकरार रखते हुए इस तनाजे को जिस कदर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है इसे रोकने की भी कोशिश की जाए। खासकर स्कूल कॉलेजेस में भी धर्म जात पात भाषा नस्ल के तफरके को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई की जाए। कुछ तंजीमों के अफराद जो एक सोच फिक्र से मुतासिर रहते हैं ये इस तरह का नफरती जहर घोलने की कोशिश करते हैं। गोगटे कॉलेज में कामले नाम के नौजवान को निचली जाति का तुझे आला जात वालों के साथ बैठने की जरूरत नहीं कहा तो इस दौर के जहनियत को भी इस तरह की बातें जाहिर करती हैं। आज भी किस तरह दलितों के साथ या पिछड़े जात वालों के साथ कुछ लोग बर्ताव करने की कोशिश करते रहते हैं इसे समझने की भी जरूरत है। आखिर इस तरह की ज़हनियत लोग कहां से लाते हैं? आखिर इंसान को इंसान से अलग करने वाले दरिंदा सिफत लोग क्या आज भी इस माशरे में रहते हैं? ऐसा सवाल भी पूछना जरूरी हो जाता है। वैसे मुल्क में मजहबी तासुब का दौर जारी है, इस बात को लेकर चन्नम्मा सर्कल में एहतजाज भी किया गया। इत्तला के मुताबिक चार नौजवानों को गिरफ्तार करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इतनी कम उम्र में इनके जहनों में इस तरह का जहर कौन भरता है?
इनके जहनो दिलो दिमाग में ऐसी बातें कौन पैवस्त करता है? आखिर कौन सी तंजीम से ये लोग वाबिस्ता हैं? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हमने पिछली मर्तबा कॉलेज में मुस्लिम नौजवानों को प्रोफेसर की जानिब से हिरासा करते हुए तुम मुसलमान दहशतगर्द होते हो जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना, आखिर तालीमी मैदान में धर्म का जहर कहाँ तक पैवस्त हो चुका है सिर्फ अंदाजा ही किया जा सकता है। बेलगाम में इस तरह तनाजा बढ़ता गया कि जिसके नतीजे आज भी देखने को मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटक के बेसिस को कालीख पहुंची जा रही है। लोगों में एक तरह का डर खौफ है क्योंकि महाराष्ट्र हो या कर्नाटक दोनों तरफ इस तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। एक 30 साल के इंजीनियर को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया, सोचकर ही ताज्जुब हो जाता है। इस तरह की जहनियत कहां से आती है? इत्तला के मुताबिक वाराणसी का रहने वाला अमृतेश तिवारी अब पिछले 2 महीने से बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। कन्नड़ परचम को ही इसने आग लगा दी। डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक पुलिस ने अमृतेश तिवारी को हिरासत में लिया है। बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस तरह की जहनियत के लोग माशरे को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज किसी की परेशानियों का सबब ना बने इसका भी ख्याल हम सबको रखना चाहिए। इतनी ही गुजारिश इत्तेहाद न्यूज की जानिब से। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಗಡಕ ವಾಸ್ತವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಟ ಹೇಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದು 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ರಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದರು ಬರೋದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂಗದವ್ರು ಬಂದು ಕಿಸದ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕಿಸಿನ ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತರಿಸಿ ಗಾಡಿಗೆ ಒರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕವಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಮೀಸಿ ನಮ್ಮ ಕಳಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಜೈ ಭವಾನಿ ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಅನ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಕೊಂತ ನಾನು ಸುಮಿತ್ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ. ನಾನು ಗೊಕ್ಟೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಮರ್ಸ್. ಏನಾದಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಶ್ ಮಳಿಮಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಇದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ. ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು 7-8 ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ದಲಿತ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಹೊಲ ಬಂದು ನೋಡ, ಹೊಲೇರಿಗೆ ಯಾರು ಕುಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಡ್ದಾಟ ನಡೀತಾವ.
ಆಮೇಲೆ 30 ತಾರೀಕು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಗುಕ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಜಿನೋಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಿತ್ತು ರೀ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಕ ಪೆಲಾನು ಒಂದ್ಸಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಹೊಲೆ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಬರಬೇಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರಿ ಅವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆದೇನ್ರಿ ಸರ್. ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮುದ್ದಂ ಬಂದು ತುಳಿದ್ಕೇಶು ಅದ ಯಾಕೆ ಒದ್ಯಾತಿ ನೀವು ಹೊಲೆ ಇದ್ದಿ ನೀ ಏನು ಕಿತ್ಕೋತಿ ಕಿತ್ಕೋಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಗುಕ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು. ಇವ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಕಂಬಳೆ ಅನ್ನೋವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾಲಮಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಇವು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನೀ ಒಲಿಯಾದಿ ನೀ ದಲಿತದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದ್ರ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬ್ಳೆಯನ್ನ ಹುಡುಗನ ಅವನ ಜೊತೆ ನೀ ಒಲಿಯಾದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಬೇಡ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದನ್ನೇ 2-3 ಸಲ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಜಗಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಈ ಹುಡುಗನ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಇವನು ಲೀಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವನು ಮೊದಲು ಒದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಗಳಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಶ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜೆಂಡಾವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ತೋರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧುಗಳು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿದ್ದರಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ಟೋಪಣ್ಣವರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ದಲಿತರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾ ಇದ್ರ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಆಗಿದಾವ ಅದ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೇಸು ಮಾಡಿದೆವು.